तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में बजट पेश किया है जिसमें गांव, गरीब और नौजवान हर वर्ग को सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने रोजगार के लिए 3 योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग के दौरान 5,000 रुपए का मासिक भत्ता देने वाले प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। तो एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टरों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट मिला है। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान हुआ है बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, जिनके लिए सरकार ने खजाने के द्वार खोले हैं। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिला है, तो बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के सहयोगियों की सरकार है, लिहाजा सियासत गर्मा उठी। विपक्ष ने बजट को सरकार बचाओ बजट करार दिया है, लेकिन सवाल है कि बजट में सरकार ने सबका ध्यान रखा तो फिर सियासत क्यों है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जनता की राय क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमने इस पर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए और बजट को समझिए। देश के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गांव, गरीब, किसान के लिए सरकार ने खजाने के द्वार खोल दिए। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया जिसमें सबसे पहले युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ। 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप कंपनियों में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हर महीने इन युवाओं को 5,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने के लिए होगा। 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई है। साथ ही रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। बजट में युवाओं के लिए रोजगार का ऐलान किया गया, तो किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करने की बात कही गई। किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान भी हुआ। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। बजट में सरकार ने गांव, गरीब, महिला, किसान, नौजवान, हर वर्ग का ख्याल रखा। साथ ही टैक्स पेयर्स को भी राहत दी। नई टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था में 3 लाख तक कमाई कर मुक्त रहेगी, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ज्यादा पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। 0 to 3 lakh rupees nil, 3 to 7 lakh rupees 5%, 7 to 10 lakh rupees 10%, 10 to 12 lakh rupees 15%, 12 to 15 lakh rupees 20%, and above 15 lakh rupees 30%. इसके अलावा बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए सरकार ने भंडार खोल दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए। बिहार में 4 एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पावर प्रोजेक्ट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बोधगया कॉरिडोर बनेगा। नए मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम बनेंगे। नालंदा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। राज्य का दर्जा
कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, वो तो करना शुरू कर। बिहार के साथ ही आंध्र प्रदेश पर भी मोदी सरकार मेहरबान दिखी। बजट में आंध्र प्रदेश के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मिलेगा। आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने की बात कही गई। आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। आज 15,000 करोड़ का पैकेज एक जो दिया हुआ है, उसके लिए हम अपने किसानों की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये केवल एक बजट वाला इशू नहीं है, ये इमोशनल इशू है आंध्रा के लिए। उसको एक जगह मिला है आज बजट में। और पोलावरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन है आंध्रा के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि वो ऑन टाइम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कम्प्लीट करेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है आंध्रा के लिए। आंध्र प्रदेश और बिहार जिनके समर्थन से सरकार चल रही है, उनके लिए खजाने के द्वार खुले तो सियासत शुरू हो गई। ऐसा लगा कि दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? नहीं, आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे चाहे सरकार पलटनी पड़े। यहाँ बजट को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि मोदी सरकार के हैट्रिक वाले बजट को आखिर कितने नंबर, और सवाल ये भी कि बजट में बिहार और आंध्र की बहार, तो फिर क्यों सियासी तकरार? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यही मोदी सरकार का 3.0 बजट, यानी पहला बजट आया है और इसे लेकर कई सारे सवाल हम लोगों के बीच लेके गए। उन सवालों के जवाब लोगों ने दिए, उस पर अपनी राय दी, और उन जो सर्वे में सवाल हमने पूछे उनमें से पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल, मोदी 3.0 के पहले बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर देने वालों की जो राय थी वो 21% 25% लोगों का कहना था कि 10 में से 8 नंबर दिए जाएंगे। बाकी के 25% कह रहे थे कि साहब 10 में से 5 से ज्यादा नहीं है, और 27% लोग ऐसे थे जो 5 में से कम नंबर दे रहे हैं, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। विपिन जैन है जो कि टैक्स एक्सपर्ट है, पीयूष लोहिया जो कि डायरेक्टर हैं लोहिया वर्ल्ड स्पेस के, रुचिका भगत हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट विपिन जी बने हुए, काफ़ी देर से वो उस पर अपनी राय भी देना चाह रहे हैं। विपिन जी, क्या कहेंगे आप इस बजट को लेकर, आपकी राय, कितने नंबर देंगे? बजट में मार्क्स देने हो, कितने नंबर देने हैं जी, तो मैं उसको 8 नंबर दूंगा। द रीजन इज कि ये बजट के अंदर टैक्सेशन को, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है जिसको टैक्सेशन में थोड़ा सा रिलीफ चाहिए था, वो दिया गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75 कर दी गई और टैक्स रैशनलाइजेशन किया गया, तो उससे तकरीबन 5,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक डिपेंडिंग ऑन द टैक्स स्लैब बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद बात करूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँगा। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। सबसे अच्छी जो हम लोग बात कर रहे थे, इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि कभी भी कोई भी बाहर निकलता था जब कॉलेज से ही अपनी एजुकेशन पूरी करके, तो जॉब लेने में बड़ी इशू आता था, फ्रेशर है, बड़ी कंपनीज लेने को तैयार नहीं होती थी जल्दी से। तो वो अगर 1 साल के इंटर्नशिप करेगा तो 90% चांस है कि जो बंदे ने इंटर्नशिप जिस कंपनी में करी है वो कंपनी उसको एब्जॉर्ब कर ले कि ठीक है, इसने हमारे साथ 1 साल काम किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और बात करें कैपिटल गेन टैक्स की, उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करके इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी किट्टी भरनी थी। वो एक
थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो वो 8 से मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए उसको। जी, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं हम, आखिर उसमें लोगों ने अपनी क्या राय दी है। सर्वे का एक और सवाल था कि क्या मौजूदा बजट में इनकम टैक्स में मिली छूट से आप संतुष्ट हैं। 62% लोगों ने कहा हम संतुष्ट हैं, 37% लोग कह रहे थे हम संतुष्ट नहीं है, और 1% लोग इस पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। रुचिका हमारे साथ मौजूद है। रुचिका, दोनों सवाल आपसे, एक तो आप नंबर कितने देने वाली थी और संतुष्ट में जो राय निकल कर आई है लोगों की, उस पर आपकी राय। देखिए, मैं बजट को एक एंगल से नहीं देख सकती, बजट को आपको इन टोटेलिटी इकोनॉमी वाइज देखना पड़ेगा। तो एक एक करके अगर हम चले, सबसे पहले एमएसएमई की बात करते हैं, तो हाँ, वहाँ पे उन्होंने गारंटी फ्री लोन दिया, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, अगर वो बूस्ट करता है तो अल्टीमेटली इम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है तो इकोनॉमी चलती है। तो वहाँ पर साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उन्होंने जो 12 इंडस्ट्रियल पार्क दिए हैं, अगेन एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वुमेन्स की बात करते हैं तो वुमेन के लिए उन्होंने जो स्टैम्प ड्यूटी की रिडक्शन की है, अलॉन्ग विद दैट उन्होंने हॉस्टल और क्रेच फैसिलिटी के लिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तो हम बात कर ही चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये CSR एक्टिविटीज है, तो अल्टीमेटली कंपनीज को CSR एक्टिविटी करनी ही है, साथ साथ वो CSR एक्टिविटी भी कर रहे हैं और साथ साथ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रहे हैं, तो ये डबल फायदा आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद सबसे अच्छी और दूसरी चीज थी फिजिकल डिफिसिट की, जो उन्होंने कवर करने की बात की। अब आते हैं हम इनकम टैक्स पे, जो आपकी बात आती है इनकम टैक्स के लिए, हाँ, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, मैं बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो 1,00,000 रुपए तक की छूट है जो टैक्स स्लैब में चेंज आया है। आपका 3,00,000 तक तो पहले ही माफ था, 3 से 6 था, 3 से 7 हो गया है, कुल मिला के 17,500 रुपए का टोटल बेनिफिट मिलता है एक एम्प्लॉय को। अगर हम 3 साल का, अगर 3 बजट देखें पिछले, उसके अंदर ये जो एक बेनिफिट है तो कंपैरेटिवली कम है, बट इन टोटल अगर आप देखेंगे तो एक बैलेंस बजट, सॉरी, 8 मार्क्स दे सकती हूँ मैं इसको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस बीच सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि मौजूदा जो बजट में मोदी सरकार किस वर्ग को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। 23% लोगों ने कहा मध्यम वर्ग को, 17% लोग किसान की बात कर रहे थे और बाकी के 17% लोग महिलाओं की बात कर रहे थे, 11% लोग युवाओं की बात कर रहे थे और 22% लोग गरीब की बात कर रहे थे, 10% लोग ऐसे थे जो इसमें किसी भी विकल्प पर अपना विचार नहीं दे रहे थे। पीयूष लोहिया हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष जी, ये सवाल आप ही से है, क्योंकि केंद्र की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से भी ये कहा गया है कि ये बजट युवाओं का है, ये बजट किसान का है, ये बजट महिलाओं का है। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने सब सारे वर्गों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। मैं रियल स्टेट के लिए ज्यादा बोल पाऊंगा, तो ब्रॉडली जो 14 इन्होंने सिटीज आइडेंटिफाई की हैं 30,00,000 पॉपुलेशन से ज्यादा, उसके अंदर जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डबी गई है, जो कि बड़े शहरों के साथ कनेक्टिविटी करने, आई थिंक वो एक सब्सटेंशियल चेंज है, और वो इन छोटे टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज को डेवलपमेंट के लिए और बढ़ावा देगा, और क्योंकि उनकी बेटर कनेक्टिविटी होगी तो उससे जो मेजर मेट्रो सिटीज पे बर्डन आ रहा है वो भी रिलीज होगा। इस बीच एक सवाल है जो कि थोड़ा राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, और वो सवाल हमने लोगों से पूछा कि बिहार आंध्र प्रदेश को बजट में बड़ा फायदा मिलने की वजह आप क्या मानते हैं। 35% लोगों ने कहा कि सरकार का साथ देना, ये बड़ी वजह है। 18% लोग कह रहे थे कि साहब दोनों पिछड़े राज्य हैं। 38% लोग नीतीश नायडू के प्रेशर पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे थे, और 9% लोग ये कह रहे थे कि इन विकल्पों में से हम कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ एक्सपर्ट विपुल जैन साहब बने हुए हैं। विपुल साहब, ये कहा जा रहा है कि साहब गठबंधन की सरकार है तो मजबूरी है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे थे ये स्पेशल पैकेज नहीं है, ये सड़क, पुलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपको बजट एलोकेशन किया जाता उसी में से थोड़ी थोड़ी राशि बढ़ा दी गई है। कैसे से परिभाषित करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हम बात कर रहे थे कि बिहार को 58,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और अगर मैं टोटल बजट की बात करूं जो एक्सपेंडिचर हमारा है वो तकरीबन 48,00,000 करोड़ का है। अब हमने बात करी कि बिहार के अंदर 4 एक्सप्रेसवे बनेंगे, एक पावर प्लांट बनेगा, एक एम्स 1 या 2 बन रहे हैं, या कुछ
स्टेडियम बनने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार के अलावा या आंध्र प्रदेश के अलावा कहीं पे एक्सप्रेसवे बनने वाला नहीं है या कहीं पे पावर प्लांट लगने वाला नहीं है। सिर्फ हुआ क्या है कि जो भी, और अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो ठीक है, वहाँ पे तो नई कैपिटल बननी है, उसको पैसे देने ही थे। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग आलो सडन दे रहे हैं, वो कन्फर्म था कि वो नई कैपिटल बनेगी, उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पैसे जाने ही है। तो सिर्फ हुआ क्या है कि बजट स्पीच के अंदर इन दोनों को मेंशन कर दिया गया है। अगर आप वैसे देखेंगे तो आज हमने, मैं बजट की बात करूं तो एक बजट में बहुत डिफरेंट रहा पिछले बजटों से, रेलवे की बात नहीं करी, डिफेंस की बात नहीं करी। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कहें रेलवे के ऊपर पैसे नहीं खर्चने वाले या कोई नई रेल नहीं चलेगी या कि हम डिफेंस के ऊपर पैसे नहीं खर्चने वाले। सिर्फ क्या हुआ, इस बार एम्प्लॉयमेंट की बात करी कि जो जनरल लोगों को, जो कॉमन मैन को रिक्वायरमेंट है उसकी बात करिए, ये बिहार और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन्होंने सिर्फ बजट स्पीच में उसको नरेट किया है। ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरे हमारा पूरा भारत देश है उसके अंदर 48 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये तो बहुत छोटा अमाउंट है उसके अंदर, 58,000 और 15,000 ये वाकई छोटा है। जी बिल्कुल, रुचिका जी हमारे साथ मौजूद है। रुचिका जी, आपको याद होगा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो इंटर्नशिप के जरिए 500 कंपनियों को एक संकेत है कि भाई आप युवाओं को रोजगार दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो बेरोजगारी को लेकर क्या कोई संकेत इसमें दिया गया है? एक इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी बोला है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आते हैं वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन्होंने फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए बेनिफिट्स दिए हैं और इन टोटल भी उन्होंने मुद्रा लोन भी बढ़ाने की जिक्र किया है कि कम से कम लोग अपना व्यवसाय शुरू करें। अगर जॉब नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं मिल पा रही, तो आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, इट कैन बी इधर वे। अगर आप देखो एमएसएमई को, अगर वो जो बेनिफिट दे रहे हैं कि आप गारंटी फ्री लोन ले लीजिए तो वहां पे आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है। बट अगर आप बिजनेस किसी वजह से नहीं कर सकते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके पास अगेन ऑप्शन अवेलेबल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये बजट बहुत अच्छा बजट है। उन्होंने बहुत सारे तरीकों से आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की है इसके अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमसे चर्चा कर रहे थे। लगातार बात होती रहेगी और जैसा कि बजट है तो बजट कोई चुनाव नहीं होना भी एक सरकार के लिए रहता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाजार भले ही उत्साहित ना हो लेकिन अर्थव्यवस्था को जरूर